पिछली बार माइनक्राफ्ट एसिड भाई कब तक आएगा ये? कितना हो गया? अरे भाई ये डोंबिवली लोकल जैसा नहीं है। उंदेसरे प्रेसिडेंटे रिपब्लिक ऑफ डोंबिवली। दुबई है, आता ही होगा। ठीक है सिड भाई, चलते हैं अभी के। भाई साहब सिड भाई एक है दुबई। क्यों खिला डाला ना? नहीं। इमोशनल टाइम। सिड भाई वैसे भी अपने को काम करने का भाई साहब, ये कौन सी नगरी है सिड भाई? भाई ये नगरी नहीं दुबई है, और दुबई नगरी नहीं जन्नत है भाई, जन्नत। सिड भाई मुझे लिटरली लगा अपन गलत नगरी में आ गए। उसे तो एकदम सिंपल लग रही थी, लेकिन पास से इतनी बड़ी है, लेकिन ये बनाई किसने सिड भाई? बनाई तो सब लोगों ने है, लेकिन डेक्स्टर नाम का बंदा था इधर, ये सब उसने ही बनाया है। फुल पैसे वाला था लगता है ये डेक्स्टर। वैसे डेक्स्टर कौन था सिड भाई, मुझे बताओगे आप? बताता हूँ बाद में, पहले ये सब दिखाता हूँ, जल्दी चल। सिड भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन चलते चलते जाएंगे तो अपनी सोन पापड़ी बन जाएगी, जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे सिड भाई घोड़े। हाँ चलो चलो, तुम्हारे लिए अरेंज किया हुआ है, चलो। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बहुत बड़ी सिटी है यार, सिड भाई क्या ही बनाया है। आ गए क्या हम? उतरो उतरो। उतर तो गए, लेकिन सिड भाई ये क्या है? ये सिटी का टाउन हॉल, यहाँ पर सिटी के सारे मेंबर्स बैठ के डिस्कशन किया करते थे और बहुत चीजें होती थी। ये सिटी का मैप है यहाँ। भाई साहब, भाई दुबई। सिड भाई इस सर्वर की पॉपुलेशन कितनी होगी क्या लगता है, और उसमें आपका कितना हाथ था? उससे तुम्हें मतलब? मतलब तो नहीं है सिड भाई, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा था, कुछ नहीं। हाँ सिड भाई चलो। भाई अभी ये क्या है? ये BMW का शोरूम है। BMW? भाई साहब सिड भाई हम अंदर जा सकते क्या? देखो ना जरा, आ जाओ देखते आ जाओ। सिड भाई ये BMW, ओ भाई भाई साहब, सिड भाई ये इतने घोड़े लगता महंगे हो गए ना सिड भाई। हाँ, पहले के टाइम यहाँ पर घोड़े के रेसेस हुआ करते थे, तब बहुत अच्छे अच्छे और उम्दा भागने वाले घोड़े लगते थे, और इसलिए ये यही पर मिलते थे, खास बाहर से लाया जाते थे। भाई साहब इम्पोर्टेड घोड़े, भाई क्या ही मजा आता होगा सिड भाई, आप बहुत लकी थे इस सिटी में थे आप। मुझे सिटी की स्टोरी बताना सिड भाई। जरूर जरूर, बाद में आराम से बताऊंगा। हाँ सिड भाई, ये पेट्रोल पंप यहाँ। अच्छा ये क्या सिटी का पेट्रोल पंप? यहाँ पर घोड़ों के लिए खाना और सब कुछ अवेलेबल होता था, और लोग यहाँ से खरीदते थे और घोड़ों को खिलाते थे, रिफ्यूल स्टेशन था। अच्छा सिड भाई ये क्या है? ये सिटी का पुलिस स्टेशन है, सारे क्राइम और जो भी क्राइम करता था उसे यहीं पर लाया जाता था। हम अंदर जा सकते? अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। आई एम नूब। ये शॉप्स थी, छोटी शॉप्स, यहाँ पर लोग बैठ के अपना सामान बेचते थे, उनके शॉप्स थी। अब वो भी अबंडेंट हो गई है क्योंकि सिटी में अब कोई नहीं रहता। भाई साहब पूरी सुविधाएं थी मतलब यहाँ पे सिड भाई ना? यस भाई, की बात ही अलग है सिड भाई। क्या यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ सिड भाई। अभी ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मतलब यहाँ पे आपका फ्लैट वगैरह कुछ है क्या? हाँ यहाँ मेरा घर है, आओ पहले देख लो। हाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है सिड भाई। ये रिसेप्शन है, ठीक है, यहाँ पर पहले रिसेप्शन पर बहुत लोग रहते थे, नीचे भी लोग रहते थे, होटल सब, अब सब कुछ अबंडेंट हो गया। अच्छा, लेकिन ये रिसेप्शन तो सेम ताज होटल जैसे लग रहा है सिड भाई, क्या ही बोले। सिड भाई घर जाने के बाद तो ये स्टोरी बताना मेरे को सर्वर की। जरूर जरूर, चलो अभी सीढ़ियों से ही जाते हैं। अभी बहुत बहुत ऊपर है, लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं। भाई साहब लिफ्ट भी है यहाँ? हाँ सिड भाई ये सही है, लिफ्ट से आओ लिफ्ट से जाओ, कम टाइम में ज्यादा काम अपना। आ जाओ। हाँ चलो चलो। गए
तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये है मेरा घर का एंट्रेंस। वाह सिड भाई, सही है, आपका तो घर भी है। क्या बात करो, बालकनी से सीधा चांद। सीधा चांद, सही है, सही है सिड भाई, ये मेरा घर। अरे भाई साहब, क्या ही घर है भाई। सिड भाई, सिड भाई बहुत बड़े रईस थे लगते हैं। आपके पापा के नोट बीट छापते थे क्या सर्वर में? सिटी के बहुत बड़े आदमी थे मेरे पापा, पर अब उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी निकल रही है। कोई बात नहीं सिड भाई, मैं हूं ना, अभी हम साथ में ढूंढेंगे सब। ये किचन है क्या? हाँ ये किचन है। ऊपर भी देख लो भाई साहब, वो सब तो ठीक है सिड भाई, लेकिन ये बनाया किस बिल्डर ने? कौन है इसका रूम में? ये वन एंड ओनली डेक्स्टर, दिखाता हूँ। सही है भाई, डेक्स्टर भाई क्या ही बंदा था, क्या ही बनाया था डिजाइन भाई। देख लो और आ जाओ। हाँ आता हूँ, ये रूम देख ले भाई साहब, इसे बोलते हैं बेडरूम भाई। भाई पूरा का पूरा व्यू देखो गाइस, डेंजर। सही है सिड भाई, सही घर है। आपने को ये बताओ कि कितने में लिया था आपके बाप ने? वो तो आप मेरे पापा को ही पता। सही है सिड भाई, बहुत ही आलीशान घर, इज्जत है आपको। और वो रहा वहाँ सामने, दी वन डेक्स्टर जिसका स्टैचू है वहाँ, इतना बड़ा वो रहा। अच्छा ये क्या, वो डेक्स्टर जिसके बारे में आप मुझे इतना ये कर रहे थे? यही है वो डेक्स्टर जिसने ये पूरी सिटी को बनाया। सिड भाई वैसे आपके पास कितने डायमंड्स? तो 200 डायमंड्स होंगे। सही है, यहाँ सो सकते हो। वाह बहुत आलीशान बेड़े सिड भाई। ऐसे ये डायमंड सेट किसका है, मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं नहीं। क्यों? वो मेरे पापा का है, वो मेरे पापा का है, उसको छूना नहीं। ठीक है सिड भाई, नहीं छूता। तुम यहाँ पर सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ओके गुड नाइट सिड भाई। अच्छा तो गाइस सिड भाई तो चले गए सोने, लेकिन मुझे ये सिटी की बाहर की दुनिया भी देखनी है। जहाँ तक सिड भाई ने अपने को दिखाया कि ये सिटी बहुत बड़ी है, लेकिन बाहर की दुनिया में भी बहुत कुछ छुपा होगा इस सिटी के। मुझे लगता है अपन जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, बाहर चुपके से जाते हैं ताकि सिड भाई को पता ना चले। धीरे धीरे से जाते आराम से। तो गाइस नीचे आ गए हम कैसे तैसे करके, और वैसे भी हमें बहुत सी चीज़ें करनी है। तरवाल ले लेते हैं और चलते हैं आगे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। ये घोड़े चल मेरे साथ और चलते आगे, क्योंकि गाइस हमने आधी ही सिटी एक्सप्लोर की है और बहुत सी जगह उस पार भी है। और ये है बीच आई थिंक, सिड भाई ने ये मुझे दिखाया नहीं, और सिड भाई ने बोला था कि ये बड़े से टावर के इधर जाना नहीं अंदर, वरना यहाँ पे कुछ अलार्म सिस्टम है जो कि बच जाएगा और पूरी सिटी, मुझे पता नहीं कुछ तो होती है ऐसा सिड भाई ने बोला था। लेकिन हम आगे चलते हैं, और क्योंकि मुझे उस साइड भी देखना है कि क्या है डेजर्ट के एरिया में। वैसे भी वहाँ पे मैंने देखा था पिछली बार, कुछ तो है वहाँ पे भी। चलते ये एक्स ले लेते, एक्स कहाँ पे गई मेरी? ओके तोड़ देते भाई। चलो गाइस सुबह होने से पहले अपने जाना पड़ेगा, वरना सिड भाई अगर जग गए ना तो अपने को वो जगा देंगे भाई। भाई स्केलेटन्स, भाई 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 घोड़े भगा। भाई साहब क्या ही नज़ारा है गाइस, क्या ही नज़ारा है, देखो गाइस क्या ही प्यारा नज़ारा है। भाई साहब भाई माइनक्राफ्ट मतलब भाई लव है भाई। चलते गाइस डेजर्ट और ये ऊपर का प्यारा नज़ारा गाइस, सही है। Two hours later. भाई साहब ये कहाँ आ गया मैं भाई, भटक गया भाई, लग जाएगा अभी। एक मिनट। गाइस वहाँ पे कोई है? हेलो कुतरा साला, देख के नंबर डाल कर ये बेवकूफ साले। सब्सक्राइब किया क्या? नहीं अल्लाह रख दिया तो भी बात करता है। क्या सीन है इसका भाई, ये अकेला बंदा ऐसा किसे रह सकता है यहाँ पे? ये मेरे को साइंटिस्ट लग रहा है, कुछ तो बना रहा है यहाँ पे भाई। ये अकेला, ये डेक्स्टर वगैरह है क्या? सॉरी घोड़े, यहाँ पे बिल्कुल रख रहा हूँ मैं भाई साहब।
बंदा अंदर है, बंदा अंदर है भाई, क्या बना रहा है ये गाइस यहाँ पे? मुझे सीरियसली कुछ आइडिया नहीं है ये क्या कर रहा है यहाँ पे। और सीढ़ भाई बोले मैं ही अकेला रह गया यहाँ पे, लेकिन ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये मतलब ये क्या है भाई, क्या क्या बना क्या रहा है यहाँ पे? ये अपने को अंदर जाके देखना पड़ेगा ये कौन है और क्या कर रहा है यहाँ पे, वरना अगर सीढ़ भाई को पता चला कि मैं इससे मिलके वगैरह आ गया हूँ, मेरे पिछवाड़े में ये जो दिख रहा है ना आपको क्या स्वॉर्ड, वो घुसा देगी जब इनको बोलूँ। अंदर जाके देखते जय महाराष्ट्र, कौन है रे? अरे पीछे भेज जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मेरे को दूर से ही दिखे तुम। ओ अच्छा अंकल, क्या बेटे इतने दुबले पतले हो गए, दूर से दिख गए मेरे को। बैठो बैठो, तुम्हारे ये खाना ही बना रहा था। अच्छा अंकल, हाँ ठीक है बना लो आप खाना। भाई साहब लग गए गाइस, अपन अभी कहाँ पे अपने को घंटा नहीं मालूम है, और अपन कहाँ आ गए यहाँ पे। लेकिन अंकल का घर तो बहुत ही अच्छा है दिखने में, कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और सीढ़ भाई मेरे को अभी ढूंढने लग गए होंगे। जल्दी से फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, लेकिन घर को इज्जत है, बहुत ही आलीशान लग रहा है घर, कुछ भी बोलो। अरे बेटे कैसे हो तुम? अंकल मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। बैठो बैठो बैठे, खड़े मत रहो, तुम्हारे पाँव दर्द होने लगेगा मेरे जैसे। नहीं अंकल मैं ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं मेरे को दर्द। वैसे अंकल आप इधर अकेले रहते हैं? मतलब यहाँ पे तो कोई नहीं रहता है और आप यहाँ पे सिर्फ अकेले हो? अरे बेटे जिंदगी तो एक ही है, अकेले ही बिताई है, अभी क्या करें। वैसे ये तलवा नीचे रख दो बेटे, मेरी कान फटती है इससे। लॉल, सॉरी सॉरी। वैसे आपका ये सूट अच्छा है, कहाँ से बनवाया? अरे बेटी ये मेरे को पूज्य पिताजी ने दिया था, बहुत बड़े आदमी थे वो, बहुत अच्छे से अच्छे सिलाई बनाते थे, लेकिन मुझे ही छूटे से सिलाई दे के गए हैं। ये कौन सी सिलाई करता है? ये देखो मेरे गान पे फूल बने हुए हैं, क्या ही बताऊँ तुम्हें, अब पीछे से ऐसा लग रहा है मोर जैसा लग रहा हूँ। अरे अंकल जल्दी बाहर आओ, देखो बाहर सब कितना अच्छा है, चांद निकल आया है। तो बेटे रात को क्या सूरज निकलेगा, कुछ भी बात करते पगले ऐसी। ताऊ आपको दुबई पता है? बेटे दुबई मतलब डेक्स्टर। डेक्स्टर? ताऊ आपको डेक्स्टर के बारे में क्या पता है, मुझे जल्दी बताइए अभी के अभी। अरे बेटे डेक्स्टर तो दुबई की शान था, उसने बहुत जी जान से दुबई बनाई, लेकिन बेटे बाद में सब कुछ तहस महस हो। तहस महस? दुबई तो ठीक ठाक है। बेटे मैं दुबई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? बेटे मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रहता था। मुंबई? ये कहाँ पे? बेटे जैसे दुबई मतलब डेक्स्टर थी, मुंबई मतलब रोलेक्स थी। रोलेक्स? अब ये कौन है? मुंबई का मशिया।